clear the inhaled air from the foreign particle yes it was also the function of conducting zone hello dear students in today's session we are going to discuss about a topic from the chapter breathing and exchange of gases and that is human respiratory system which is involved in ventilation in this session we are going to discuss about what organ this system comprises of

ऑफ लेरिंक्स कौन है ग्लॉटिस अगर मैं आपको बताऊं दिस इज द लेरिंक्स एंड इस लेरिंक्स की जो ओपनिंग है इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं और इसी ग्लॉटिस के ऊपर एक थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन एपिग्लॉटिस दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम इेगस कहते हैं कॉमनली नोन एज फूड पाइप कॉमनली हम इसको फूड पाइप कहते आते हैं बचपन से जिसकी ओपनिंग कहलाती है गलट गलट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस नाउ लेट सी जैसे ही इस एनिमेशन के थ्रू आप देख रहे हो ये फूड पार्टिकल कंज्यूम कर रहा है एपिग्लोटिस दिस इज द एपिग्लोटिस इसने क्या किया इसने लेरिंग्स की जो ओपनिंग थी उसको क्या कर दिया कवर कर दिया जिसकी वजह से ये फूड पार्टिकल लेरिंग्स के अंदर नहीं जा पाया ठीक है दैट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस Larynx क्या है ये एक कार्टिलेजनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साउंड प्रोड्यूस का साउंड प्रोडक्शन का काम करता है इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं During swallowing, glottis is covered by epiglottis. Epiglottis क्या होता है एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को इनटू द लेरिंग से जिससे फूड का जो पाथ है वो सिर्फ और सिर्फ ईसोफेगस से जाए लेरिंग्स के अंदर या ट्रैकिया के अंदर फूड का पार्टिकल नहीं आ पाए नाउ लेट्स मूव एंड सी द ट्रैकिया मोर अबाउट ट्रैकिया लेट्स स्टडी मोर अबाउट ट्रैकिया दिस ट्रैकिया इज अ लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर एज यू कैन सी दिस इज द ट्रैकिया

इनिशियल ब्रोंक्यूल दट आर दार्ट ऑफ द टोटल पल्मनरी ब्रॉन्वर्ड होते हैं दीज आर सपोर्टेड बाई इनकलीट कार एंड दीज इनकलीट कार

टरी इसको हम कह देते हैं रेस्पाइरेट्री ट्री बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना लेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इसके पास ये जो होता है टू मेन जोन के अंदर डिवाइडेड होता है कौन से मेन जोन कंडक्टिंग जोन एंड एंड एक्सचेंज 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 ज़ोन ज़ोन जैसे नाम से पता चल रहा है कंडक्ट करने का काम करेगा कंडक्टिंग में क्या होंगे जितना पाथवे था कौन कौन आ जाएगा इसमें आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल फेरिंग्स लेरिंग ट्रैकिया प्राइमरी ब्रॉन्ई सेकेंडरी ब्रॉन्ई टर्शरी ब्रॉकियाई टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल जो है यहां तक आपका पूरा आ जाता है कंडक्टिंग जोन के अंदर ठीक है जोन के अंदर कौन आएगा उसके जो डग जो हमने पढ़ा वो आता है आपका एक्सचेंज जोन के अंदर ठीक है अब इसका काम क्या होता है किसका कंडक्टिंग जोन का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना क्या ट्रांसपोर्ट करना एटमोस्फेरिक एयर को ट्रांसपोर्ट करना एलवलाय तक क्या, नहीं काम होता है नहीं और भी काम होता है क्या होता है क्लियर करती है फॉरन पार्टिकल्स को जो एयर के अंदर फॉरन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्लियर करने का काम करती है एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे उस टेम्परेचर पर एयर को लेकर आने का काम भी कंडक्टिंग जोन का होता है एक्सचेंज जोन का क्या काम होता है जैसे नाम है इसका इट इीज आर द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है अब बढ़ते हैं हम लंग्स की तरफ लंग्स आर इनके ओरिजिन की हम बात करें तो इनका ओरिजिन कैसा होता है एंडोडर्मल ओरिजिन होता है व्हाट कंप्राइज़ेस ऑफ लंग द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई कंपराइजेस द लंग्स लंग्स के यहां पे स्ट्रक्चर को देखते हैं एक बार यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखोगे जो राइट right लंग होता है इसकी लेंथ कंपेरेटिवली लेफ्ट लंग से कम है क्यों कम है क्योंकि यहाँ पे जो है लेवर रहता है अगर आप लेफ्ट लंग को देखो तो यहाँ पे देखोगे कि लेफ्ट लंग की चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है राइट right लंग के कंपैरिजन में ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो आपको नॉच लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कौन रहता है यहाँ पे हार्ट की हार्ट प्लेस रहता है

फ्लुइड अब इस म्यूरियल फ्लूइड के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं काम क्या होते हैं पहला काम ये फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम करती है जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने का काम करती है लंग सरफेस पे दूसरा काम क्या करती है ये एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ऑर्गन पे डायरेक्टली शॉक शॉक ना लगे उसको अब्जॉर्ब करने का काम करता है फ्लूइड जो है शॉक को अब्जॉर्ब कर लेता है जिसके वजह से ऑर्गन के ऊपर जो लंग इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उस पर कम से कम इफेक्ट यहाँ पे पड़े तो इट एक्ट एज अक चिल्ड्रन लंग्स जो होते हैं आप इस एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे देखने की कोशिश करिए यहाँ पे दीज आर सिचुएटेड इन एंड

मिलती हैं जैसे हमने बात करी लंग्स जो होते हैं ये आर सिचुएटेड इन एन एयर टाइट इनका सेटअप इस तरीके से होता है कि अगर किसी भी तरह का पे हमें कैविटी के के अंदर के अंदर वॉल्यूम अगर चेंज देखने के लिए मिलता है तो वो ऑटोमेटिक चेंज हमें पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर भी देखने के लिए मिलता है क्यों दीज आर द लंग्स ये जो है आउटर पेराइटल प्लूरा अब आउटर पेराइटल प्यूरा यहाँ पे जो है दिस इज एन इनर और इनर वाली किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है लंग के अगर किसी भी तरह का हमें चेंज देखने के लिए मिलेगा थोरासिक वॉल्यूम के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हमें देखने के लिए मिल जाएगा किसके अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर ओके चिल्ड्रेन तरीके से लंग्स जो होते, है, होते हैं, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन का पावर नहीं देखने के लिए मिलता है इट इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज यहाँ पे मसल्स ही नहीं प्रेजेंट है ठीक है चिल्ड्रेन चलो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स के बारे में दैट इज द एल्वोलाय एल्वोलाय जो होते हैं कंप्राइज करते हैं टू टाइप्स ऑफ सेल्स को दीज आर न्यूमोसाइट वन एंड न्यूमोसाइट टू एल्वोलाय की अगर हम बात करें तो दिस इज द एल्वोलाय जो बनी होती है इस तरीके से यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं दीज सेल्स आर कॉल्ड एज एन ये सेल्स किसके बने होते हैं स्क्वेमस एपिथीलियम के किसके बने होते हैं स्क्वेमस एपिथीलियम के ये स्क्वेमस एपिथीलियम सेल्स जो कुछ स्क्वेमस एपिथीलियम सेल्स जो होते हैं अपने आप को मॉडिफाइड करके न्यूमोसाइट वन एंड न्यूमोसाइट टू सेल्स में अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं न्यूमोसाइट वन जो होते हैं ये लार्जर सेल्स होते हैं एज कंपेयर टू न्यूमोसाइट टू जो कि स्मॉलर सेल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में

तो यहाँ पे जो एल्वलाई है इस तरीके से दिस इज कवर्ड बाय एन येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है क्या काम करता है सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ओके दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एलवलाय अब एल्वुलाय ह्यूमंस के अंदर कितनी देखने के लिए मिलती है टोटल नंबर ऑफ एलवलाई जो ह्यूमन के अंदर देखने के लिए मिलती है दैट इज थ्री हंड्रेड मिलियन This is all about the human respiratory system. Let's move and solve some question related to the same topic. Our first question is which of the following is not the function of the conducting part of the respiratory system? Konsa function Inhaled air is humidified. It was the function. Temperature of inhaled air is brought to the body temperature. Ye kaam conducting zone. Provide surface for the diffusion of oxygen and carbon dioxide? No. This was the function of exchange zone. ये एक्सचेंज जोन का काम था इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग जोन इट क्लियर द इनहेल एयर फ्रॉम द दार्टिकल ये वॉज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज वेन देर इज नो एयर इन द इनिशियल दे डज नॉट कलैप्स इट इज ड्यू टू रिमेंबर हमने पढ़ा था जो uh, ट्रैकिया किया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी द इनिशियल ब्रोंकियोल कवर्ड कवर्ड बाय किससे टर्सरीट कार्टेजनस रिंग से या फिर हम कहें कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था इनकम्प्लीट कार्टेजनस रिंग उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं होते अगर एयर कम है तो भी ठीक है हेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर टू प्रेजेंस ऑफ इनकम रिंग्स

बी यहां पे क्या है बी इस अंदर वाली मेम्ब्रेन को लेबल करके रखा हुआ है तो अंदर वाली मेम्ब्रेन कौन सी थी तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा इट इज विसरल प्लूरा अंदर वाली मेम्ब्रेन सी यहाँ पे कैविटी को लेबल करके रखा हुआ है तो हम कैविटी को क्या कहते थे वट इज दिस कैविटी नोन एज इट इज प्लूरल कैविटी

हम देखते थे ट्रैकिया जो था वो डिवाइड करता था फिफ्थ और एसिड वर्टिप्री पे इनटू एन लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकियाई तो सबसे पहले कौन आएगा प्राइमरी ब्रोंकियाई तो डी सबसे पहले आ गया प्राइमरी ब्रोंकियाई से सेकेंडरी ब्रोंकियाई बनते थे तो ई आ गया सेकेंडरी ब्रोंकियाई से कौन बनता था टर्शरी ब्रोंकियाई बनते थे तो सी आएगा टर्शरी ब्रोंकियाई से कौन आता था इट वॉज टर्शरी ब्रोंकियाई से कौन आता था इट वॉज टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल पलमोनरी पे दे रखा है अमंग द ऑप्शन में से ही आपको सिलेक्ट करना है ठीक है अब नाउ टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल किसमें ओपन हो रहे थे इट वाज टर्मिनल ब्रोंकियोल के अंदर टर्मिनल ब्रोंकियोल के अंदर एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल किसमें ओपन हो रहा था इट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल अकॉर्डिंग टू दिस जो ऑप्शन मैच कर रहा है इट इज डी ई सी एफ ए एंड बी दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 थैंक यू सो मच